Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे डिस्टर्ब क्यों किया? तुम जब चाहो मुझे मिलने आ सकती हो। दरअसल मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। हाँ बैठो, इस घर की बहू हो तुम, हक है तुम्हारा। अब वो मैं आपसे सोनिया के बारे में कुछ बात करने आई थी। अब लेकिन अभी तो आपने कहा कि मैं इस घर की बहू हूँ और मेरे भी कुछ हकूक हैं। वो तो ठीक है, खैर बोलो तुम क्या कहना चाहती हो? मेरा आपसे एक सवाल है, सोनिया का क्या कसूर है कि वो इस घर में पैदा हुई, और आपका क्या कमाल है कि आप इस घर में पैदा हुए? मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो वो बताओ। दादी जान और अम्मी जान भी तो किसी की बेटियां हैं। अगर इस खानदान को बेटियों से इतनी ही नफरत है तो पहले इस घर में मौजूद औरतों से इस घर को पाक करें, फिर किसी और की किस्मत का फैसला करें। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं दादी अम्मा को और अम्मा जान को घर से निकाल दूं? नहीं नहीं, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बेटियां किसी भी खानदान के लिए बदनसीबी का बायस नहीं बनती। अगर ये बात सच है तो अम्मा जान ने सोनिया को अपनाने से इनकार क्यों कर दिया? इतने साल अपने से दूर क्यों रखा? जरा सोचें, अगर आपको कोई आपकी ही माँ को खत्म करने का हुक्म दे तो आपका क्या रहते अमल होगा? मैं रहूं? अपनी हद में रहो। बीच चौराहे में उसकी लाश को लटका दूंगा जिसने ऐसा सोचा भी तो। आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। जरा सोचिए एक माँ की उस वक्त क्या हालत होगी जब उसे अपने ही हाथों से अपनी बेटी को कत्ल करने का हुक्म दिया गया होगा। उस मां ने मजबूरी में अपनी बेटी की रिदाई को तो तकदीर बना लिया, लेकिन उसकी जिंदगी नहीं छीनी। सोनिया आपकी अपनी सगी बहन है, एक ही खून है आप दोनों। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, इस हवेली किया ना और जिद की वजह से सोनिया जिस हक से महरूम रहे उसे वो हक दिलाकर अपने गुनाहों का खफारा अदा कर लें। खुदा के लिए अपनी बहन को तस्लीम कर लें, उसे इस हवेली में वापस ले आए। वो कौन सा हमेशा आपके साथ रहेगी, हमेशा और के घर उसके साथ रहेगी। किसी नाहक को उसका हक दिला दें, कम से कम आपके ही समझ से किसी नाहक को उसका हक मिल जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि सोनिया को इस घर में वापस लूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे माफ कर दो। आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मेरे दिल का बोझ हल्का नहीं होगा। मैंने आपको माफ किया, थैंक्स।
बस मैं कुछ नहीं जानती, आपको वकास को राजी करना होगा मेहरू से शादी करने के लिए। उसे समझाएं कि वो मेहरू को बीवी के तौर पे अपनाए। वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन वैकिन कुछ नहीं, मुझे अब कोई बहाना नहीं सुनना। बहुत बहाने सुन लिए आपके, और सुनिए इस सिलसिले में मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। आप खुद ही सोचिए ना, मेहरू कब तक इस तरह अकेली जिंदगी गुजारेगी। भाई मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ, ये तमाम मामला जब अब्बा जी के सामने रखेंगे पता नहीं उनका रिएक्शन क्या होगा। सारी जिंदगी उनसे डर डर कर गुजार ली मैंने, अपने हक के लिए तो मैंने आवाज ही नहीं बुलंद की, लेकिन अब मैं मजीद चुप नहीं रहूंगी। आपको आपको सबको मनाना होगा। अरे भाई मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ हूँ, बल्कि मैं तो उसी दिन समझ गया था तुम्हारा इशारा जिस दिन तुमने जिक्र किया था। बस ठीक है, अब मेहरू हमारे साथ इसी घर में रहेगी, हमारी बेटी बनकर, हमारी बहू बनकर। ये हुई ना बात। ओ जी, मैं तो यही समझती थी कि ये सब कुछ आपकी इजाजत से हो रहा होगा, लेकिन जरा मुझे इस बात का पहले अंदाजा था कि मेरी औलाद मेरे खिलाफ बगावत लई परतोल रही है। सरदार साहब, इन्हां दी जो भी सोच होए ए मैनू जानदे नहीं ने, मैं ऐसा हरगिज नहीं होवन देना। मैं हुणे जाके मना करनी आ, वेखनी आ किस में इतनी हिम्मत है जे मेरा हुक्म ना माने। ओ गशुन, मैंने भी इन्हां दी अखीर देखनी है, मैनू पता ते लगे ना कि इन्हां दे दिल च किन्ना कोई एहतराम हैगा मेरा, कि मेरे को इजाजत रहन आंदे ने कि नहीं। हेलो भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम, पहुंच गए हो? भाईजान मैंने आपको इसलिए फोन किया था कि बताऊं कि हम कुछ देर में निकलने वाले हैं घर से। ले, और मैं समझ रहा शायद तू गेट पे आ गई है, आगे उतने बेल बजाई है तो किसने गेट नहीं खोला। बस थोड़ी देर में आने ही वाले हैं। अच्छा ठीक है, ज्यादा इंतजार न कर रहे हैं। जी भाईजान बस पहुंचने ही वाले। अच्छा ओके, अल्लाह बिली। थैंक गॉड कि अब तुम गुस्सा बहुत कम करो, और तुमने अपनी बहुत सी ऐसी आदतों पर भी कंट्रोल कर लिया कि जिससे तुम्हें गुस्सा कम आए। एटलीस्ट ड्राइविंग बहुत स्लो करने लग गए हो। तुम बहुत अच्छी हो। तारीफ करने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे पास ऐसे अल्फाज ही नहीं है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकूं। मैंने ऐसा क्या कहा? अगर मैं तुम्हारी तारीफ ना भी करता तो तब भी तुम अच्छी थी। मैंने ये सब इसलिए नहीं कहा कि तुमने मेरी तारीफ की है। तो किस लिए? मेरी हर बात को मानने और उस पर अमल करने का बहुत शुक्रिया। क्यों ना मानता? तुमने जिंदगी की सारी हकीकतों को चंद अल्फाज में मेरे सामने रख दिया। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए, तुमने अच्छे और बुरे की तमीज सिखाई मुझे। अब अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हो, अल्लाह ताला तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। चलो बच्चों तैयार हो तो फिर चलते। चले ए, वो आसमा मैं अब्बा जी को कह दूं? अभी कोई जरूरत नहीं अब्बा जी, सोनिया को लेके आ जाएंगे ना, तब वो देख भी लेंगे और मान भी जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है वक्त। चले लेट हो रही है। चले आए ना, देर चलो ना, चलो चलो आपको तो बस ना। चले यार, ये सोनिया अभी तक तैयार होके नहीं आई है। चाचा जान आपको तो पता ही है, शादी से पहले मुझे यकीन नहीं होता था, लेकिन शादी के बाद समझ आ गई कि औरतों को तैयार होने के लिए घंटा नहीं पूरा हफ्ता चाहिए होता है।
اور وہ تو ٹھیک ہے لیکن مہمان آنے والے ہیں ان کا استقبال کم از کم مل کے تو کرنا چاہیے نا جی. السلام علیکم. آ گیا بھائی بڑی دیر لگائی یار. السلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم بہترین. ہماری باری آئے گی مام جان. بھائی کیوں نہیں آئے گی پتر لے آج ہی آئے گی. کیسی ہے میری دی؟ آ جا بیٹھو 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 بھائی. بھائی جان وہ سونیا نظر نہیں آ رہی. آ جائے گی سونیا بھی آ جائے گی. تم لوگ آ گئے تو وہ بھی آ ہی جائے گی. وہ آ گئی سونیا. امی جان. ارے سونیا تیری جان تیری بیٹی تیری چندہ تمہیں دیکھنے کو میری آنکھیں ترس گئی. اب میں تمہیں اپنے سے دور نہیں جانے دوں گی. ہمیشہ تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گی. ارے بابا کو بھی تو ملو. آجا آجا میرا بچہ آجا 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 جیتی رہو خوش رہو. او بھائی اگر ملنا ملانا ختم ہو گیا ہو تو کیا بیٹھ کے کوئی مفید مشورے کوئی چند باتیں کر سکتے ہیں ہم؟ اور ذرا تمیز سے برخوردار. یہ تیری بڑی بہن ہے اسے آپ ہی کہہ کے بلا. سوری سونیا آپ ہی اپنے اس بد تہذیب بھائی کو معاف کر. جاؤ معاف کیا. سونیا بیٹا یہ مہرو ہے اور یہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے. یہ سب کچھ جو بھی ہوا ہے وہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے. اب میں سونیا کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی تو اسے واپس نہیں آنے دوں گی. کیونکہ اسے واپس لانے کے لیے آپ کو اپنے ساتھ بارات لانی پڑے گی میرے گھر پر. میں تو ڈر ہی گیا تھا. میں سمجھا شاید اسے بدلہ لینے کی باری آ گئی ہے. ارے نہیں بھائی جان کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. ہم تو اپنے بھتیجے کی بارات دھوم دھام سے لے کر آئیں گے اور اپنی بیٹی کو اس گھر سے لے کر جائیں گے. آپ کو پتا ہے نا کہ ہمارے خاندان میں دولہے کو 35 کوڑے مارنے کی رسم ہے. بھائی بھائی اپنی بیوی کے لیے میں 100 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہوں. بس اس کے بھائی کو میری کمر پہ باندھ دی. ارے اب بھائی جتنا میرا بھتیجا ہے اتنا ہی تمہارا بھی ہے. میرے والوں جانتے لمبا پا لینا. بھائی آفتاب بھائی بات یہ ہے کہ ہم کو ایک فنکشن تو کرنا ہی ہوگا نا جس میں نور زمان اور سونیا کی شادی ہوگی. پر ان دونوں کی شادی تو ہو چکی ہے. لیکن بھائی جان میرے ارمان تو ویسے کے ویسے ہی رہ گئے نا. ہر ماں کی طرح میری بھی یہی خواہش تھی کہ میری بیٹی میری دعاؤں کے ساتھ میرے گھر سے رخصت ہو. وہ خواہش تو پوری نہیں ہوئی نا. بھائی اس کے ساتھ ہم وکاس کی بھی شادی کریں گے. اس طرح ہم دو خوشیاں منائیں گے. وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن وکاس شادی کیسے کرے گا؟ بھائی وہ ہم نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لیا. لیکن کوئی مجھ سے بھی تو پوچھ رہا یار کہ میں کیا چاہتا ہوں. وکاس تم چپ رہو. پہلی بار ہم لوگ ماں باپ بن کر اپنی اولاد پر حکم چلا رہے ہیں اور تمہیں ہمارا حکم ہر حالت میں ماننا پڑے گا سمجھے تم. اور آپ سب لوگ میری بات سن لیں. وکاس کی شادی مہرو سے ہوگی. مہرو اگر تم مجھے اپنی ماں کی طرح سمجھتی ہو تو پھر تمہیں میرا حکم ماننا پڑے گا. امی جان
भाई हमने बहुत सोच समझ के फैसला किया है, अगर किसी को इतराज है तो अभी बता दे, हमें किसी की परवाह नहीं है। अल्लाह भाई सबने अपने अपने फैसले सुना दिए, हमको मेरा फैसला भी तो सुन लो, मैं यार आखिर MNA हूं यार इस इलाके का। ये बात तो है। अरे भाई यार आप हुक्म करें, हम यहाँ बैठे हैं आपकी बात सुनने के लिए। अल्लाह भाई अगर ये बात है ना तो फिर मैरू यहाँ से नहीं जाएगी। क्यों भाईजान? क्योंकि मेहरू को यहाँ से ले जाने के लिए आप लोगों को वकास की बरात लेके यहाँ आना होगा, फिर मैं अपनी धी को प्यो बन के और नूर जमान उसे भाई बन के रुख्सत करेगा। क्यों मंजूर है? अरे वाह वाह क्या बात की आपने, दिल खुश कर दिया भाई, मंजूर है मंजूर है। बिल्कुल भाईजान बिल्कुल मंजूर है।